हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट अनीका अली, आपके फेवरेट प्रोग्राम सियासी दंगल से और आपके फेवरेट चैनल वाइब टीवी पर। व्यूअर्स, आपको मालूम है कि मैं इस प्रोग्राम में न्यूज़ शामिल करते हैं हम लोग, और हमारे साथ जो सियासी मुबसर भांड मिस्टर क्रिएटर और मिनीटू होते हैं, वो अपनी महाराना राय से आप लोगों का आगाह करते हैं, जिससे आप लोग बहुत इंजॉय करते हैं। मैं बहुत इंजॉय करते हैं ना, मैं भी बहुत इंजॉय करती हूँ प्रोग्राम में। जब मैं इनसे इनका हाल चाल पूछती ना, तब मुझे बहुत मजा आता है। तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर क्रिएटिव और मिनीटू। वालेकुम अस्सलाम। ये बहुत प्यारा लगता है मुझे, यकीन करें। मैं अच्छा चाहते हैं कि मैं हर वक्त आपको पूछती हूँ कैसे हैं आप, अस्सलाम वालेकुम, फिर बाद में जब बोलते हैं ना इकट्ठा, फिर बोलेंगे वालेकुम अस्सलाम। चलो यही मैं चाह रही थी कि ये होंगे इस तरह, थोड़ा आज अच्छे लग रहे हैं। आज मैंने तारीफ कर दी। आज मेरा पुराने सुना था पे, वो तो हमेशा से लगते हैं वो। मैं तो हमेशा शुक्रिया, आज आप वो नहीं करें, वो एक मिनट वो भी मैं आपसे वो इजाजत लेना चाहूंगा तो फिर ना जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक है होर बाबे हो, तुसी सुनाओ ठीक जे बाबा जी? माशाल्लाह सियाने बंदे जे, कोई सानू अच्छे अच्छे मशवरे भेजा करो। अच्छा जी, प्रोग्राम की तरफ फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं और फर्स्ट न्यूज शामिल करते हैं जी। और न्यूज है कि आईन में दर्ज है कि सिर्फ मुंतखब नुमाइंदे ही रियासती अमूर चला सकते हैं। वजीर आजम परवेज अशरफ, माशाल्लाह अच्छी बातें कर रहे हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी गल्लां कर रहे हैं। अच्छे हैं तो अच्छी बातें करें, अच्छे तो हैं वो बिल्कुल, लेकिन जब उन्हें सऊदीया तो हो गया है ना उमरा करके, उन्होंने बहुत अच्छी गल्लां कर रहे हैं। मतलब ना करो हम तबीयत का भी करा लिया करिए। की मतलब तेरा? माशाल्लाह जगिया गल्लां करन लग पे ना, उनकी जुबान च असर भी आ जाएगा। अच्छा जी, हाँ जी। वैसे सिर्फ मुंतखब नुमाइंदे ही अच्छे काम कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं, उनका कहना है, ऐसा सोचना है। सिर्फ पार्लियामेंट के नुमाइंदे ही सिर्फ मुंतखब ने, बाकी जो अभी बिठाए ने एसपी डीएसपी या कोई कानून साज इदारे जो बैठे ने वो मुंतखब नहीं हुए। बिल्कुल, उनका उनको लगता होगा कुछ ऐसा, तो उन्होंने बयान दे दिया ना। चलो चंगी गल, बयान भी चंगे देने लग पे ने, अल्लाह करे उनकी नीयतां भी ठीक रहन यार, जेड़ा भी चलावे लेकिन पाकिस्तान चलावे। पाकिस्तान चलेगा नहीं, वो गल बिल्कुल यही ना, मैं समझ गई पाकिस्तान चलाए क्या मतलब, कोई पाकिस्तान डीजल तो चलन डे, पेट्रोल तो चलन डे, जिसे मुकेगा पाकिस्तान रुक जाएगा, सड़क सारी ब्लॉक हो जाएगी। वजीर आजम साहब ने चाहिए कि हम अपने इस गल पे कायम दायम रहें। बिल्कुल, आईन में मौजूद है ये चीज, हम अपनी किसी बात पे कायम नहीं रहते, जैसे बिजली। हाँ जी, बिजली का तो ना ही तुझे गल करो, बिजली का ना सुन के अपनी तबीयत जहर रखना शुरू हो गया। नेक्स्ट न्यूज इज, अमेरिका पॉलिसियां तैयार करते वक्त पाकिस्तानी जमहूरी अदारों की मजबूती पेशे नजर रखे। वजीर आजम परवेज तरक्की करेगा ना, यकीन करो हर पासे पाकिस्तान का ना होना वे, अमरीका अभी भी है, अलहमदुलिल्लाह वे, अमरीका साडे जमहूरी अदारियां दे खिलाफ कोई पॉलिसी तैयार करे, इधरों जमहूरी अदारे साडे सीधे होके खलोए, चलो भाजो असीं नेटो सप्लाई बंद कर देनी। खंबे च करंट फिर थले बर्फ लाई होंगी, किन्नी चाहिए जनाब? सही गल, बहुत अच्छी बात की है कि बहुत बहादुर ब्रेव कौम है ये। हाँ जी, कहन भी करंट फिर होएगा यार, फिर डरती बिल्कुल नहीं हमारी कौम। बिल्कुल पाकिस्तानी कौम डर गई तो कितों पाकिस्तानी को आएगी? पाकिस्तानी कौम ना डर कौम ही की, बादर कौम है। बिल्कुल, आप बस क्रिएटिव से थोड़ा डरते रहते हैं। मैं बस भला की वड्डा होवे ना, बड़े यार से। हां जी बड़ा है, तो हुण कन्ना ते चिट्टे वाल निकले सन, ओ मैं कटाए ने कन्ना तो वाल लपेट के मुंह के बन लंदा सी, तजर्बे ते अकल च वड्डा वैसे छोटा मैं। हां जी, अच्छा अच्छा, अकल मेरे पास बड़ी है, बहुत बड़ी अकल है निकल, माशाल्लाह रोज पांच छह मोहल्ला का। अमेरिका नेक्स्ट टाइम कोई भी काम करने से पहले आपसे रजू करे, उनके आप में अकल ज्यादा है। हां जी, मैं ना रजू करना चाहिए ना, करना ही नहीं उन्होंने, जब उन्होंने रजू करना तेरा मोबाइल बंद होता है। अमरीका जो वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जमहूरी अदारों को मजबूती
तो ये इस पे वो अमल कर सकते हैं, वो सोचेंगे इस बात पे जो इन्होंने बयान दिया है। अमेरिका ते हाई पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने की सोचना, बिल्कुल पाकिस्तान के हालात हाँ खिलाफ ही है। अच्छा, वो चाहता है नहीं तो हम हर बात अमेरिका पे मतलब ये डाल देते हैं, हर चीज करते हैं, तो हम इमदाद भी तो उसी से मांगते हैं। अच्छी कितना मांगने, नहीं उस गल ठीक है। मैं सऊदीया नूं कहांगा कि सानू तेल जिहड़ा सस्ता दे ताकि साडी गड्डियां दा पहिया रवा दवा रवे। सस्ता देने का क्या मतलब है, वो तो वैसे ही फ्री दे रहा है, तो पाकिस्तान है जो इसको आगे से बेच रहा है, साडे हुकमरान नहीं जरा हां और क्या की मतलब है, वैसे सस्ता दे रहा तो पैसे नहीं मांग रहा। मैं क्या ना कोल पराडो ते ना को दे चीजां कित्थों आंदियां ने, इंदा मतलब है पेट्रोल बेच बेच के गड्डियां ले जांदे ने हुकमराना ते। मैं सुनया अपने हक पे हर लिहाज से हमारे साथ है, बिल्कुल बिल्कुल वो देखिए हम फ्री दे रहे हैं, हमारे में कुछ है ऐसा कि हम उसको बेच रहे हैं और कारोबार बना लिए। तो फिर ये सऊदीया की साइड क्यों नहीं लेते, क्यों अमेरिका की साइड लेते हैं? बिल्कुल सऊदीया अपने साइड है, पूछना चाहिए प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें सदर मुंतखब। प्रणब मुखर्जी जी, ये रानी मुखर्जी के बड़े भाई। क्या मतलब है रानी मुखर्जी के बड़े भाई हैं, कोई रिलेशन नहीं है उनमें? नाना नहीं होंगे और नहीं यार कहन होंगे कहन नाना जी हो सकते हैं, वैसे ऐसा कोई नहीं है कि 70 साल मुखर्जी 40 वर्ष से पार्लियामेंट के रुकन, अच्छा दिफाए खजाना और खारजा मूर के वजीर रहे हैं। 40 खजाना ते खारजा मूर दे भी वजीर रहे ना 40 साल तो 40 साल 40 वर्ष ते हो 70 साल उम्र है ना दी, इनका मतलब इस तो बाद इन्होंने सप बन जाना पार्लियामेंट च नौजवान कुड़ियां भी दरअसल ये लोग खुद महसूस नहीं करते होंगे कि हम 70 साल के हो गए, शायद ये भी वजह। एक बात बोलो, जितनी एज ज्यादा होती है आपको एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। देखिए माशाल्लाह वो कितने रुकन रहे हैं पार्लियामेंट के भी, रुकन रहे हैं दिफा भी रहे हैं, भी रहे हैं, भी रहे हैं। तो उनके पास नॉलेज ज्यादा होता है, एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, एक्सपीरियंस्ड होते हैं। यानी कि बाबे दा डंगिया नहीं बजदा बाबे दा डंगिया नहीं बजदा। प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, मुखर्जी, अच्छा जी मुखर्जी, प्रणब बिल्कुल, जिम्मे नाब नहीं लाई दी नट दी, बिल्कुल प्रणाब। चलो जी असि साडे कोल दुआ आई है, माशाल्लाह इहदा मतलब है इहनां ने फौत नहीं होना, 200 साल भावें इहनां दी उम्र होई होवे। नहीं अगर रानी मुखर्जी के नाना जी हैं जी, अच्छा दादा जी होंगे, 70 साल के हो गए ना, अच्छा नाना जी भी हो सकते, दादा जी भी हो सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्यों होते है जी वो, और ये 13वें सदन में इन्होंने फिर क्यों रखा है प्रणब मुखर्जी, रानी मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, मिलता जुलता है सभी क्यों होते हैं? अब बाज लोग जिनके नाम, अब जैसे आप खुद देख लें, रहमान मलिक, बिना मलिक, बताएं कोई रिलेशन है इनमें? नहीं है ना, गलत की थी करा साडे जैसे पार्लियामेंट दी मेंबर जेड़ियां ने हां कितनी खूबसूरत खूबसूरत रे, माशाल्लाह देख लो अपने वो हिना रबानी खान साहब, हाय 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 क्या बात, ठीक है आसमार बाप को देख ले माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है, शीरे दा मानी खूबसूरत की मतलब क्या मायां मायां उथे पार्लियामेंट दीयां मेंबर ने उहनां दे बाबे बाबे सदर रखदे ने, एडियां पुरानियां मायां रखियां यकीन करो समझ दे विच बैठ के जुआ कढ़णियां हुंदियां अपनियां। आप क्या मतलब है, बस रह रही होती है ये जुआ दे नाल प्रणब मुखर्जी का रानी मुखर्जी का कोई रिश्ता है? मेरी बात सुनी, कैसे रिलेशन हो सकता है? अब जरूरी नहीं है किसी के आगे अगर मुखर्जी लग जाएगा तो वो रानी मुखर्जी के रिलेशन में होगा या रिलेटिव में, अगर नहीं अब देख ले अपने रहमान मलिक साहब, बीना मलिक, कोई है इनमें कोई वैसे मलिक है? अब अगर कोई सारे मलिक तो नहीं हो सकते, हमारी बाबरा शरीफ, नवाज शरीफ साहब, अब इनमें तो नहीं है, जरूरी नहीं है कि मुखर्जी है तो वो रानी मुखर्जी के। हाँ अगर एज ए स्टार और सियासतदानों का वैसे ही बड़ा मेल मिलाप रहता है तो अच्छा कही जा सकती, ठीक है ये गल है, हो सकता है प्रणब मुखर्जी जेड़े है ने ओ रानी मुखर्जी ਨਾਲ ਵੈਸੀ ਕੋਈ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਖਾਨ ਔਰ ਰੀਮਾ ਖਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਖਾਨ ਦਾ ਸੇ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਖਾਨ ਕੀ ਮਨਮੂਸ ਨਸਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਮਾ ਖਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹਾਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਅਬ ਰੀਮਾ ਖਾਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਮਾ ਖਾਨ, ਸੈਮਾ ਖਾਨ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਖਾਨ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ।
दंगल में तो आपको इंसान बना दिया, अभी भी आप मान नहीं रहे। इंसान बन गया, इंसान आज फिर के की महसूस कर रहे, ये आप ही पूछ सकते हैं कि महसूस कर रहे हैं बस जो जो तू कर रहे हैं। यानी कि ये बात हो गई कि आप मेरे में बैठ के कैसा महसूस कर रहे हैं, अपने फैमिली कैसा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल 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 जी, हम लोग सारी एक फैमिली ही बिल्कुल 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 पूरा चैनल सारी फैमिली बिल्कुल, और हमारे देखने वाले भी हमारी फैमिली मेंबर ही हैं, और यही हम लोगों को इज्जत देते हैं, तो हम आज यहाँ बैठे सारी फैमिली बन जाना सारे अफगानिस्तान में अमन का रास्ता अमेरिका से नहीं पाकिस्तान से गुजरता है। बिल्कुल, अमेरिका तो नेटो सप्लाई आंदी पाकिस्तान से गुजरती है, अमन जाके पैदा कर दी, लिहाजा अमन का रास्ता अमेरिका से नहीं गुजरता, नेटो सप्लाई ने अमन का रास्ता किया है अफगानी रह रहे जो दहशत गर्दी भी फैला रहे, हर गलत काम कर रहे, मंशियात फरोशी भी कर रहे, बिल्कुल अमन पैदा नहीं कर रहे, असि चाह रहे कि अफगानिस्तान च अमन पैदा हो जाए। बड़ी गल वेलो, असि उन्होंने बारे सोच रहे हैं लेकिन नो नहीं सोचते पे, ये पता नहीं कदों सोच कर अफगानी महाजर साढ़े पाकिस्तान कई लखा यकीन करो अजे फिर सानू पहचान ही नहीं होंदी, पठान के अफगानिस्तान ने बिल्कुल बिल्कुल साडे पिछावर दे ने के अफगानिस्तान ने, कोई पता नहीं अंग्रेज ने दाढ़ी रख के उंज फिरदा होवे ते ओ लगे अफगानी। सही गल हैगी, इह जिन्ने साडे घर यानी के साडे सोहणे पाकिस्तान दे विच जिन्ने भी जुराइम होंदे ने, माशाल्लाह नवीं तों नवीं कलाशनकोव साडे पाकिस्तान च मुतारफ कराई अफगानिस्तान, पाउडर कलाशनकोव, हां जी, नहीं पता नहीं केड़ी केड़ी चीज उधरों आई हुई है, बिल्कुल पता ही नहीं चलदा। अच्छा, ये जो इन्होंने बोला है पाकिस्तान से गुजरता है अमन का रास्ता, ये आपका मतलब है कि नेटो सप्लाई अमन का रास्ता वही है और क्या है? और क्या है, और कौन सा रास्ता है, मैनूं दसो, और किहड़ा उत्थे टांगे चलदे ने दसो तो सही, और किहड़े तो चिंग जी आ रहे ने चमन बाड़ रहे उधरों थाने जाना सारे। अच्छा ठीक है, अमन का रास्ता यही गा, जे असि अमन का रास्ता बंद करता ना फिर अफगानिस्तान पता लगना गा, नहीं सर जे ए वाला रास्ता बंद हो गया ना तो फिर इमदादी रास्ता भी बंद हो जाएगा सर। अफगानी बड़ी तेज है, उन्होंने सुरंगा कर लेनिया ने, कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, हमारी हुकूमत आईन के मुताबिक मुल्क चला रही है। कौन है? वजीर आजम परवेज अशरफ। माशाल्लाह, बातों की बरसात हो रही है उनके, बरसात के मौसम में बरसात हो रही है, ऐसे तो फिर आगे गलत नहीं कर रहे, इतना अच्छा उनका हेयर स्टाइल है, कहने पहले कानून की हुक्मरानी जाने हैं। अच्छा कानून से अमल क्यों नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल यार, गल तो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कह रही है कि खत लिख दे, क्यों नहीं लिखा है, की वजह है? यार हो सकता उंगलां दर्द कर हाथ दर्द करता होगा हलफनाम नहीं तो सहन ही इन्हें होंगे ने हाथ तक गया सैर कर सहन अजे नवे बनाने होंगे अपने प्रैक्टिस करके पछाने ना जाए ना, उन्होंने वजीर आजम लाना है वजीर आजम का। ये उन्होंने बड़ी बात की है कि हमारी जो हुकूमत है आयन के मुताबिक मुल्क चला रही है, आयन के मुताबिक बिल्कुल बिल्कुल आयन के मुताबिक, आयन वो वाला जरा उधर बंद है केड़ा उधर बनता, ये उधर से बनता क्या जिधर से नेटो सप्लाई आती है। अच्छा तो उसके मुताबिक चला रहे, उसके बाद मुताबिक चला रहे, नहीं आपको लगता नहीं कि कुछ बातें वाकई वो आयन के मुताबिक चला रहे हैं? आयन के मुताबिक अगर काम होता होना तो हमारा मुल्क जो है ना वो तरक्की कर जाए जनाब। बिल्कुल बिल्कुल, चलो जब चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं दुआ उन्होंने यही देने के लगे चला, इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं अगले अगो वोट नहीं लाने होना। हाँ जी अच्छा, अगो नहीं सोच रहा आवाम को फिर से बेवकूफ बनाया जा रहा है, बिल्कुल कहीं जानू ऐसी आवाम ने बेवकूफ नहीं बनना, नहीं बनना जो मर्जी कर लेना, बेवकूफ बंदा बेवकूफ नहीं बन सकता ते आवाम।